आज वैसे हमारा प्लान था पीटर ऑफ पैलेस जाने का, अभी 12 या 1 बज रहे हैं, लेकिन बारिश हो रही है तो डोंट नो कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और भाई एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अगर आप रशिया आते हो तो रशियन अल्फ़ाबेट्स या मतलब उनको कैसे रीड करते हैं और थोड़ी बहुत बेसिक रशियन ज़रूर रीड करके आना, पढ़ के आना, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें रशियन में ही लिखी है। और वैसे भी रशियंस को इंग्लिश पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इंग्लिश के काफ़ी साउंड रशियन अल्फ़ाबेट्स में नहीं हैं। और जब से हम सेंट पीटर्सबर्ग आए हैं तब से यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, क्योंकि मॉस्को में हो रही थी तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी बारिश हो, और आज फाइनली जाके बारिश हो गई और जो टेम्परेचर गिर गया है भाई, तो मैंने अपनी जैकेट भी निकाली है बिकॉज ठंड हो गई है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के फैशन की, तो लोग काफ़ी ड्रेसअप होके तो रहते हैं, मतलब टिप टॉप लगते हैं, ऐसा कोई भी मुझे बंदा नहीं दिखा जो आया नहीं अभी हो। अच्छा लग ये नहीं कोई मामूली बंदा जिसमें जो आए हैं जीवन का समझा। तो हम पीटर ऑफ पैलेस जा रहे हैं और हमने चेक किया अपना जो बस का रूट है वो है 2.5 घंटे का और कार से है सिर्फ 40 मिनट का। तो हमने कैब चेक करी थी लेकिन वो 2,000 की आ रही है और बस आगे पीछे। हाँ तो मैं यही कह रही थी कि हमने फिर डिसाइड किया कि भाई बस ले लेते हैं राधा दान। मैंने कहा कि हम यही डिसाइड कर रहे थे कि बस ले लेते हैं राधा दान, यू नो कैब। तो भाई हम लोग फाइनली पीटर ऑफ पैलेस के अंदर आ ही गए हैं, हमने 2-2.5 घंटे लगाए हैं तो अंदर क्यों ना जाए। 1200 की टिकट थी, हमने ले ही लिया फाइनली, क्योंकि इतना टाइम लगा के आए तो ऐसे तो नहीं जाने वाले थे हम। तो भाई पीटर ऑफ ने ये पैलेस बनाया था, आई मीन पीटर द ग्रेट ने बनाया था, और ये इम्पीरियल रेजिडेंस के तौर पर बनाया गया था। 200 साल तक इस पैलेस ने सर्व किया एज रेडी रेसिडेंस ऑफ रशियन रॉयल्टी, और ये काफ़ी सुंदर भी है जगह भाई। और जर्मन इन्वेजन के टाइम ये प्लेस इन्वेडेड और पूरी की पूरी बर्न भी हो गई थी। So this is one of the main attractions of St. Petersburg and no doubt it was very beautiful, but थोड़ी देर में मैं इसका रिव्यू दूंगी। भाई आगे ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये हम आ गए हैं फिनलैंड की जमीन पे और ये जमीन इतनी पावरफुल है। ये फिनलैंड की जमीन नहीं है, उस साइड पे वहाँ रशियन बॉर्डर है। और झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। यहाँ से ना पीटर ऑफ के लिए बोट्स वगैरह भी जाती हैं, पीछे दिख रहा होगा पीटर ऑफ एक्सप्रेस है, तो आसपास ही घुमाती होंगी बेसिकली, ज्यादा दूर तो नहीं। फिनलैंड तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अभी तो बंद है वैसे भी सब कुछ। सो भाई ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड और यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज के फ्लैग भी बने हुए हैं जिसमें से फिनलैंड का भी एक फ्लैग है। तो वैसे ये उस साइड तो सेंट पीटर्सबर्ग है, पूरा रशिया ही है, लेकिन ये चीज़ क्रॉस करके फिनलैंड आ जाता है। और वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, वो है लक्ता सेंटर, जो रशिया और यूरोप दोनों में ही सबसे टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर है। इट इज़ लाइक 462 meters लॉन्ग। And to be honest, Peter of Palace से ज़्यादा I was much more impressed by the Gulf of Finland. बहुत ग्रीनरी थी, सामने ओशन था, तो बहुत ही अच्छी वाइब थी यहाँ की। अंदर तो आ गए हम लोग लेकिन हर चीज़ की यहाँ पर टिकट है, आपको पार्क जाना है, आपको बोर्ड लेनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, हर चीज़ के अपने अलग पैसे हैं यहाँ पे। वैसे जगह तो ठीक है, सुंदर है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, आपको टाइप के अलग अलग टाइप के आपको फवारे मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ही फवारे हैं भाई। सो वेल थोड़ा बहुत घूम घाम के एंड फाउंटेंस देख देख के हम फाइनली वहां से एग्जिट कर गए थे, बिकॉज हमको घर भी जाना था और वो 2.5 घंटे का रास्ता था। पीटर ऑफ पैलेस वॉज ओके, आई वॉन्ट से कि बहुत ही बढ़िया था। 1200 रुपये के वर्थ अगर मुझसे पूछो तो नहीं, नहीं था, क्योंकि अंदर जाके हर चीज़ की अलग से ही टिकट थी, म्यूजियम हो या बोट राइड हो या कुछ भी हो, पार्क हो, तो इट वॉज ब्यूटिफुल बट इट वॉज नॉट वर्थ 1200। अब हम ले रहे हैं घर के लिए कैब, अब 2 घंटा लगा के वापस कहाँ ही जाएंगे। एंड यहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस ब्रांड है पूछना तोच का करके, तो वो भी हमें ट्राई करना रह रहा है अभी। सो वेल यहाँ पे कैब तो नहीं हो पा रही है, कोई ड्राइवर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम वापस बस से ही जा रहे हैं।
A few hours later. तो भाई हम लोग बस में चढ़ रहे थे, अब तक तो कोई कंडक्टर वगैरह कुछ नहीं था. आपको अपना कार्ड टैप करना होता है और बस. तो मोस्ट लोग तो करते भी नहीं है, लेकिन ये अपना अपना होता है भाई सबका, कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. और इस बस में कंडक्टर था और उसने आगे सबकी वो चेक भी करी है कि भाई सबने टिकट ली है कि नहीं ली है. तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना कि कंडक्टर होते हैं भाई बस में, छुपे होते हैं वो कहीं ना कहीं. और वैसे भी बस में कैमरा लगे ही होते हैं भाई, तो तुम दिख जाओगे भाई अगर तुमने टैप नहीं किया तो. इवन दो हम लोग जब सबसे पहले यहाँ पे आए थे तब हमारे कार्ड वर्क नहीं कर रहे थे, तब हम ऐसे ही आ गए थे, बट अदरवाइज हमने हमेशा कार्ड यूज किया है अपना भाई. एंड अभी हम फिलहाल जा रहे हैं डोडो पिज्जा पे, क्योंकि रिकोसना ही तोच का तो आसपास नहीं मिल रहा है, तो डोडो पिज्जा ट्राई करते हैं, वो भी यहाँ का फेमस ब्रांड है. आए कह रहे रोड पतली सी है, खाई है तो ऐसे चलना पड़ता है इस पे. अबे आज चार ये भाई भी कुछ नहीं तो आज का यहाँ का बहुत ही फेमस ब्रांड. और वो जो आर बना हुआ है वो एक्चुअली केएफसी है, इन्होंने आर कर दिया केएफसी को. ऑर्डर आ चुका है, अब खा के बताते हैं भाई ये है कैसा भी कुछ नहीं तो आज का. A few moments later. तो भाई भी कुछ नहीं तो आज का के बर्गर्स तो भाई बहुत टॉप क्लास लगे सच में, भी कुछ नहीं तो आज का ही है ये. और वैसे तो हम डोडो पिज्जा के लिए आए थे, लेकिन हमें बीच में भी कुछ नहीं तो आज का ही दिख गया, तो हम वहीं रुक के खाने लग गए क्योंकि यहाँ का भी ट्राई करना रह गया था. और ये बहुत ही अमेजिंग है. अब हम जा रहे हैं वापस घर कैब से, क्योंकि यहाँ से बस का रास्ता है 2 घंटे का और कैब से या गाड़ी से सिर्फ 30 मिनट का. तो सोच रहे हैं कि कैब ही कर लें भाई. मैं जा रही हूँ घर और ये जा रहे हैं गेम खेलने. और आज वीडियो बना के भेज देना उधर की. संगली संगली मैं तो संगली हो गई हूँ. तो ये था भाई इन लोगों का गेमिंग सेंटर, विच लुक्स वेरी वेरी कूल. सच में यहाँ पे गेम खेलने का तो अलग ही मजा आता होगा. तो गाइस ये कह रहा था कि ये घूम रहा है, जो ये कह रहा था कि ऐसे रोज रोज घूमने का नहीं होता है. मतलब कह रही है कि घर वाले बोलेंगे कि खाना भी मतलब घूमने गया है या खेलने गया है. तो अभी रात के देखिए 9 बज रहे हैं, आधिक नहीं रहा है वो बात अलग है, लेकिन रात के 9 बज रहे हैं और 9 बजे अभी कुछ भी नहीं खुला होता घूमने के लिए. तो हम क्या करें, हम सुबह तक टिकट ऑफिस पे बैठे रहेंगे. हाँ यार सुबह घूमने जाना है, टिकट ऑफिस पे बैठते हैं अपन, 3 घंटे खेल के 12 बजे घर पहुंचेंगे अपना आराम से. वो ज़्यादा इजी है क्योंकि 9 से 12 तो वैसे भी कुछ घूमने के लिए है नहीं. ये बात है मेन. कट हो जाएगा ये नहीं, मत करना भाई मत. एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि भाई कोई भी हॉर्न बजाता ही नहीं है जब तक भाई बहुत ही ज़्यादा ही कुछ जरूरत ना हो. तो भाई ये लोग जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट काम से रात के अपना 10 बजे. मैं नहीं बोल रही कि ये लोग गेम खेलने जा रहे हैं. और एक बात तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी भाई कि जो नेवस्की है और जो अपना पीटर ऑफ पैलेस है वो काफी दूर है. एक सेकंड मेरा ग्लास खो गया, जस्ट अ मोमेंट. If you wanna go there, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अलग से दिन निकाल के जाना, क्योंकि पीटर ऑफ पैलेस वैसे ही बहुत दूर है और जाने में भी टाइम लगेगा और वो बहुत बड़ा है अंदर. बट वही बात है, अगर तुमने नेवस्की देख लिया तो तुमने सेंट पीटर्सबर्ग का हार्ट एंड सोल देख लिया है. वो बहुत सुंदर है, वो फ्री भी है भाई, वहाँ के व्यूज भी फ्री हैं. मतलब तुम बाहर से ही इतनी अच्छी अच्छी चीजें देख सकते हो. सो ऑब्वियसली ब्रो वहाँ तो जरूर जाना. पीटर ऑफ चाहे ना जाना, क्योंकि हम सच में 2-2.5 घंटा लगा के वहां गए थे और जब हमें पता चला कि वहां पे टिकट है एंड बाहर से वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा था, तो हमने कहा यार इतना टाइम लगा के आए हैं अब अंदर तो चले ही जाते हैं यार, देख लेते हैं कि भाई क्या है. तो देखा पर इतना मुझे पर्सनली इतना कुछ खास नहीं लगा. सो या मतलब तुम जरूर जा सकते हो बिकॉज वो वन ऑफ द प्लेसेस है जो मतलब टॉप स्पॉट्स है यहाँ की. बट नेवस्की प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छा है. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो बाय, टेक केयर.